अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम बात करेंगे आज आयशा मंजिल पर, जिस इमारत पर आग लगी जिसके नतीजे में जो हैं वो लोग भी अपनी जान की बाजी हार गए, लोगों का बड़ा नुकसान भी हुआ। इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो दरबदर हो चुके हैं, उनका जो इमलाक है वो जल चुकी है। और इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आई है, हम चाहेंगे कि नाज़रीन तक पहुँचाएँ कि मुकदमा जो है उसका भी इंदराज हो चुका है। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ले लेते हैं। हमारे रिपोर्टर हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी साहब, उन्होंने अभी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। ताहिर अब्बासी साहब, अब तक की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, प्लीज़ आगाह कीजिएगा। अली साहब शुक्रिया। कल जो अफसोसनाक वाकया था जिसमें 5 अफराद झुलस कर जाबहक हुए थे, जो अब जो इसमें जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पुलिस ने इब्तदाई तौर पर तहकीकात और जिम्मेदारान के तयन के लिए मुकदमा दर्ज किया है। जौहराबाद पुलिस स्टेशन में सरकार मुदैयत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तहाल इसमें किसी को भी नामजद नहीं किया गया है। पुलिस तफ्तीश करेगी और इस बात का तयन किया जाएगा कि आया गफलत कहां से हुई और इसमें जिम्मेदारान कौन है। साथ साथ इसमें खुशखबरी ये आई है कि जो 450 फ्लैट खाली कराए गए थे इमारत को चेक करने के लिए, इसका इंस्पेक्शन करने के लिए, वो मुकम्मल कर ली गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर वस्ती को ये रिपोर्ट पेश की है, जिसकी रोशनी में इमारत को मकीनों के लिए खोल दिया गया है और उनके मकान तक उन्हें एक्सेस दे दिया गया है। अब से कुछ देर पहले SSP वस्ती फैसल अब्दुल्ला चाचर ने पुलिस को यह अहकाम जारी किए गए कि इमारत पे लगाई गई सील खत्म कर दी जाए। वस्ती जिलाई वस्ती हुकाम की जानब से भी ये बता दिया गया है कि जो क्राइम सीन यूनिट के अमले ने जो कॉर्डन ऑफ का रखा था इलाके को, वो कतारा हटा दी गई है। जिसके बाद जो है जो 450 से ज्यादा खानदान थे जो कल शाम से इस अफसोसनाक वाक्य के बाद बेरोजगार बेघर हुए हुए थे, उन्हें अब उनके घर तक एक्सेस मिल चुका है और बाकायदा तौर पर जो खामियां हैं उसे दूर करने के लिए तेजी से हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। बिजली मुनकता है, उसकी बहाली के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। पानी की मोटरें और दीगर जो चीजें थी, जो बुनियादी सहूलियात हैं, वो मुयसर करने के लिए फिजाई इंतजामिया और पुलिस की मदद से रेस्क्यू इदारे भी हैं, जो रफाई इदारे हैं, फलाही इदारे हैं हमारे, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और फौरी तौर पर जो मकानात में रहने वाले हैं उनकी बहाली के लिए जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज हुआ है, तहकीकत होगी, तयन होगा। एसिन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत को रिहाइश के लिए जो है वो अहल करार दे दिया है और इमारत का एक्सेस अब उसमें बसने वालों को दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, वाक़े का मुकदमा जो है उसका दर्ज हो चुका है। साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि कंसर्न अथॉरिटी से भी आपकी इस मौजू के ऊपर बिलखसूस जो है वो बात करवाएं, क्योंकि एक अफसोसनाक वाक़ ये हुआ है कि आग लगती है और आग इस कदर खौफनाक लगती है कि वो ना सिर्फ नीचे जहाँ पर ये गोदाम, ये जो दुकानें मौजूद थी, कारोबारी मरकज़ था एक जहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों की दुकानें थी, परफ्यूम्स भी बताए जाते हैं, फॉर्म की भी दुकानें बताई जाती हैं और मुख्तलिफ़ दुकानें जो हैं यहाँ पर मौजूद थी और उसके ऊपर रिहायशी जो हैं वो उन्होंने अपनी रिहाइश अख्तियार कर रखी थी। जब आग लगी तो जिस तरह की वीडियो सामने आई है, जो हमारे रिपोर्टर्स हजरात वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे, वो इंतहाई भयानक थी, क्योंकि आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया था। और एक अफसोसनाक वाक्य हम कहेंगे कि इसके अंदर जो है 5 लोग जो हैं अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। नाज़रीन, अब मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी एक दूसरे के ऊपर इसके ऊपर बात की जा रही है, कहीं तनकीद की जा रही है। सवाल ये है कि जिनका नुकसान हुआ उसका तायुन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसी हवाले से इसके ऊपर जो है चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं और साथ साथ जो हैं इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करें कंसर्न अथॉरिटी। हम कोशिश कर रहे हैं कि SSP सेंट्रल से हमारी बातचीत हो, रबता हो, तो हम नाज़रीन तक वो बात पहुँचाएँगे। देखें जी, मुकदमा हो चुका है, अभी हम RJ मॉल को ही डिस्कस कर रहे थे, अभी हम RJ मॉल के ऊपर ही बात कर रहे थे कि RJ मॉल के अंदर एक गफलत जो है वो सामने आई थी और मुजरमाना गफलत हम कहेंगे कि उधर बताया गया कि जो इमारत है उसके अंदर फायर एग्जिट मौजूद नहीं था। आलात की भी जो मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं, एक तरफ कमेटियाँ जो हैं वो बना दी गई हैं, ये कमेटियाँ इस पूरे शहर के अंदर किस तरह काम करेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो कब तक, क्योंकि इस शहर की जब हम बात करते हैं नाज़रीन, तो इतने बड़े बड़े तो मतलब मुल्क हैं दुनिया के अंदर, और इस शहर की आबादी, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेहंगम तरीके से हमें नज़र आता है। कंक्रीट का जंगल इस शहर को बनाया जा रहा है। हम बार बार कोशिश करते हैं कि इस तरह के मामलात से बचा जाने के लिए जो है ये चीज़ें हों, मगर अब
बहुत शुक्रिया फैसल अब्दुल्ला चाचर साहब ने हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, एसएसपी सेंट्रल है। सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो मुकदमा है उसमें दफात क्या शामिल की गई हैं, मतन थोड़ा सा शेयर कीजिएगा ताकि नाजरीन तक पहुँचे, क्योंकि तब तायुन करना है कि इसके अंदर कौन कसूरवार था इस पूरे वाक़े के अंदर। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें बेसिकली एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो इसमें जिम्मेदारों का तायुन तो नहीं होता, वो होता है तफ्तीश में। लेकिन जो भी हालात वाकयात उस वक्त तक रोनुमा हो चुके होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। तो ये जो वाकया हुआ बहुत अफसोसनाक, और इसमें जो डेथ्स हुई उसका इसमें दफात शामिल की गई हैं कि अगर ये किसी की गफलत लापरवाही से है तो उसके हवाले से मुख्तलिफ पीपीसी के सेक्शन डाले गए हैं, जिस तरह 435 है और 436 है। ये दो होते हैं कि अगर किसी ने जानबूझ के या किसी गलती की वजह से जानबूझ के कहीं आग लगी है और उससे किसी का जानी और माली नुकसान हुआ है तो उसकी सजा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकती है। इसी तरह जो जिनकी डेथ हुई है वो कत्ले बेसबब की वजह से हुई है तो वो 322 सेक्शन लगाया हुआ है। बाकी जो डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को, गाड़ियां जली हैं, दुकानें जली हैं, वो 427 सेक्शन में आता है। तो ये सारी हैवी दफात डाली हैं ताकि जैसे ही तफ्तीश में तायुन हो कि किसकी गलती से या गफलत से हुआ है ताकि उसको प्रॉपरली टेक ऑन किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया फैसल अब्दुल्ला चाचर साहब, हमें तफसील हमें मौक़िफ़ भी दे रहे थे और बता रहे थे नाज़रीन के क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है दफ़ात के अंदर जो है ये बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया फैसल अब्दुल्ला चाचर साहब हमें मौक़िफ़ देने के लिए, टाइम देने के लिए। अब देखते हैं कि मुकदमे की जो तहकीकात हैं, तफ्तीश है, वो किस तरह की जाती हैं, तफ्तीश होगी तो नाज़रीन चीज़ें आगे चल सकेंगी और फिर तायुन हो सकेगा कि आखिर किसकी गफलत थी मुजरमाना और क्या मामलात थे। और जब तफ्तीश होती है तो यकीनी तौर पे बहुत सारे हकाइक जो हैं वो सामने आते हैं और बहुत सारे बंद जो राज हैं वो सामने आते हैं। और यकीनी तौर पे हम कोशिश ये करेंगे कि जब इसकी तहकीकात और तफ्तीश हो तो नाज़रीन अपने जो भी हमें देखने हैं सुनने वाले हैं उन तक वो पहुँचाएँ। नाज़रीन ब्रेक का वक्फ़ा लेने जा रहे हैं, ब्रेक पर जाते हैं और फिर हाज़िर होते हैं।